और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। आज लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम, हाईकोर्ट, प्रतिनिधि नेता, प्रतिपक्ष, स्पीकर मौजूद रहेंगे। सिलेक्शन कमेटी के पांचवें सदस्य का नाम तय किया जाएगा और पांच सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी के बाद में सर्च कमेटी बनेगी और वहीं सर्च कमेटी लोकायुक्त पद के लिए नाम सुझाव में दिए जाएंगे और हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, मीटिंग भी होनी है, साथ में पांचवें सदस्य का नाम भी तय किया जाना है, क्या जरा जानकारी, किस तरह की कयास? देखिए, उत्तराखंड में लोकायुक्त ऑफिस तो है लेकिन लोकायुक्त नियुक्त नहीं है और पिछले 10 सालों से 2013 के बाद से बिना लोकायुक्त के लोकायुक्त ऑफिस चल रहा है, जिसपे करीब सालाना 2 से 3 करोड़ का खर्चा आता है। और पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ से अधिक का खर्चा अभी तक लोकायुक्त कार्यालय का है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक रिट लगी थी, हाईकोर्ट ने इस रिट का संज्ञान लिया था और इस राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि 3 महीने के अंदर वो तत्काल प्रभाव से लोकायुक्त की नियुक्ति करे। लिहाजा हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो चयन समिति है, सिलेक्शन कमेटी है, इसमें 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर पहले ही नियुक्त हैं, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के स्पीकर, 4 लोग इसमें शामिल हैं। आज पांचवें जो मेंबर है उसकी औपचारिकता पूरी होनी है, तो 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास में ये मीटिंग होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे, स्पीकर होंगी, स्वयं मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ साथ जो हाईकोर्ट के प्रतिनिधि हैं, ये पांचवें मेंबर का सिलेक्शन करेंगे। और जब सिलेक्शन कमेटी पूर्णतः अस्तित्व में आ जाएगी, यानी 5 मेंबर नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद एक सदस्यीय सर्च कमेटी बनेगी और ये सर्च कमेटी लोकायुक्त के नाम के लिए 4 लोगों के नाम सुझाएगी। जब 4 लोगों के नाम सुझा देगी तो ये राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और राज्य में 3 सीनियर जज को जबरन रिटायर कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। वहीं पर हाईकोर्ट की संस्तुति पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, शासन ने रिटायरमेंट के आदेश जारी किए हैं। जिनको रिटायर किया गया है उसमें लेबर कोर्ट हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी हैं, इसके साथ ही लेबर कोर्ट काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और देहरादून के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र हैं। और चलिए बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी में नयार नदी में ऑल्टो कार गिर गई, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल पाया है क्योंकि अभी तक सिर्फ एक शव बरामद हुआ है। रात होने के चलते एसटीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। हादसे का शिकार हुई कार से कुछ बैग्स भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार में कई और भी लोग हो सकते हैं, लिहाजा नयार नदी के पास में सर्च ऑपरेशन जारी है। अल्मोड़ा के द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक और विधायक के बीच विवाद थमा नहीं था कि अब एक और वीडियो वायरल हो गया। कॉलेज कैंपस के अंदर ही जमकर मारपीट और हंगामा देखने को मिला है। यहां पर छात्रों के 2 गुटों में लाठी डंडे चले, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। काफी देर में हंगामा और मारपीट काफी देर तक होता रहा लेकिन कोई भी वहां पर सुरक्षाकर्मी या फिर अन्य मैनेजमेंट के लोग नहीं पहुंचे, लिहाजा कॉलेज के अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मारपीट में 3 छात्रों को चोट आई है और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब 18 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला कांग्रेस से कल मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन कूच और मुद्दों से ज्यादा चर्चा महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला के सड़क पर बाल मुंडवाने की हो रही है। आखिर क्यों मुंडवाने पड़े बीच सड़क पर बाल, ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, डेंगू से लेकर अंकिता भंडारी के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर उतरी। मुख्यमंत्री आवास कूच को महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रतौला ने लीड किया।
और साथ में हरीश रावत, गणेश गोदयाल, करण महरा और यशपाल आर्य भी आए, पर सब उस वक्त हैरान रह गए जब महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीच सड़क पर बाल मुंडवा दिए और बाल कटवा कर विरोध जताकर मसलों को सुलझाने और इंसाफ की मांग सरकार से की। देखिए, हम लोगों ने जो इस सत्ता ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर दिया, उससे दुखी होकर मेरे मन में आया है कि क्या करें, तो मुझे लगा कि मुझे सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमको सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए क्योंकि वो फेल है। वो महिलाओं के अगेंस्ट आज केस हो रहे हैं, हमारे जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के एक बेटी के माँ बाप दर बदर भटक रहे हैं, रोज रो रहे हैं, लेकिन उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाल कटे हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, तो विरोध के बीच पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। विरोध में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता की आवाज और बेटियों का दर्द बताया, तो बीजेपी का जवाब आया कि अंकिता भंडारी केस हो या कोई दूसरा मुद्दा, कांग्रेस को कोर्ट और लोकतांत्रिक सिस्टम पर यकीन नहीं है। हमारी बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंड की नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंड नियत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर हैं, और हमारा सीधा सवाल है कि आखिर वो वीआईपी है कौन जिस पर देहरादून और दिल्ली दोनों है मौन। जो विषय कोर्ट में हो उस विषय को कोर्ट के माध्यम से एक निष्पक्ष संस्था पर भरोसा रखना चाहिए। उसका किसी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा मैं उस दल का नहीं देख रही हूं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में विरोध की बात पर जहां कांग्रेसी महिलाएं बाल मुंडवाने से भी पीछे नहीं हट रही, तो बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाए जाने की मांग उठ रही है और पार्टी इस पर विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये उनका निर्णय होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं, पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका जी को करना है। अल्मोड़ा के जागेश्वर में बीजेपी विधायक पर टेंडर होने के बाद भी जबरन काम रोकने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और नैनीताल हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, राज्य सरकार अल्मोड़ा के डीएम और साथी सचिव पंचायती राज को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी भी की और कहा कि अधिकारियों को अपने विवेक से काम करना चाहिए और राजनीतिक दबाव में अधिकारी खुद को गिरवी नहीं रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने डीएम के आदेश से जिला पंचायत द्वारा रोके गए काम को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। यहां विधायक की चिट्ठी के बाद में डीएम ने सिर्फ काम रोक दिया और इसके अलावा भी टेंडर को निरस्त कर दिया गया था। इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल लोगों के आदेशों पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी बिना अपना माइंड अप्लाई किए हुए इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं और कोर्ट ने इस पर गंभीर नाराजगी जताई कि एक विधायक महोदय के आदेश पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीधे जो टेंडर के अंतर्गत कार्य किया जा रहा था उसको तत्काल रोक दिया गया बिना कोई कारण इंगित किए हुए। तो कोर्ट ने इस पर स्टे भी कर दिया है और साथ में ये डायरेक्ट किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे उनको काम कंटिन्यू करने दिया जाए। चीन सीमा पर सड़क पहुंचाने का तेजी के साथ कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी में भारतीय सड़कें चीन सीमा से सिर्फ अब 3 किलोमीटर ही दूर हैं, जिससे चीन में भी बौखलाहट देखी जा सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की चीन से लगभग 350 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इन सीमाओं की सुरक्षा करना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते केंद्र सरकार तेजी से सड़कों का जाल बिछा रही है। उत्तरकाशी के थंगला के पास
भारतीय चीन सीमा तक अब सड़क पहुंच चुकी है। ईसांग चोकला सीमा पर सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ईसांग चोकला से भारत चीन की सीमा महज 2 से 3 किलोमीटर तक रह गई है। सूत्रों का कहना है कि ईसांग चोकला सीमा तक सड़क बनते देख चीन की बौखलाहट भी सामने आ रही है और चीन ने सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते चीन ने अपनी सीमा पर गश्त भी बढ़ा दी है। वही चीन की हरकत देख भारतीय फौज की भी गश्त बढ़ाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस तनाव के बावजूद भारत ने अपना सड़क बनाने का काम जारी रखा है। आपको बता दें, भारत लगातार अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जिस तेज गति से कार्य हो रहा है, इसका आभास अब चीन को भी होने लगा है। सीमा पर अब सड़क का जाल बिछने से सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इसलिए चीन को ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।